जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की क्वेश्चन आंसर, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। 500 प्रश्नों की यह सीरीज है जिसमें अपना यह अगला पार्ट है और इसके बहुत सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो वह भी आप देखना ना भूलें। 401 से यहाँ पर शुरू करते हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगर अभी तक जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वह एक बार वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी एंड व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर फ्री प्लान। तो फ्री प्लान में आपके लिए क्या बेनिफिट हुए, तो हम आपके लिए यहाँ पर बता दें, यहाँ पर आपकी वीकली 500 से भी ज्यादा फ्री लाइव क्लास यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसमें आपका डाउट क्लियर किया जाता है। फ्री लाइव क्विज हैं, यहाँ पर 20,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं और करेंट अफेयर आपका डेली अभ्यास होता है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में शाम 7 बजे। इन सभी फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और इसमें सिलेक्ट करना है एमपीपीएससी एंड व्यापम। ये एमपीपीएससी एंड व्यापम सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर रेफरल कोड सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी, यहाँ पर आपके लिए क्या है, प्रतीक जैन सर के साथ आपके लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के बेस्ट एमपीजी के फैकल्टी, यहाँ पर आपके लिए जो प्रतीक जैन सर है इनके द्वारा यहाँ पर आपका कंप्लीट कवरेज यहाँ पर कोर्स कराया जाता है। यहाँ पर आपका क्या है, क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, जो स्टार्ट हो चुकी हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट डाउट जो है, जो भी डाउट रहता है उसका सॉल्यूशन किया जाता है लाइव क्लास में। क्विज पीडीएफ नोट्स यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। इसके बाद यहाँ पर चैंपियनशिप है एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए। इसमें क्या है, इसमें आपका जो है टॉप थ्री विनर्स के लिए अनअकैडमी के द्वारा तीन टॉप थ्री विनर्स के लिए 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो आप भी अभी इसको एनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लें। और एमपीपीएससी चैंपियनशिप प्री 2020 के लिए है। आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बनता है कमेंट में जरूर बताएं, और यह भी आपके लिए बताना कि कितने आंसर आपसे, कितने क्वेश्चन सही बने हैं आंसर उनके। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो है वह स्वयंभू, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है, स्वयंभू आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया है। तो गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किया है, तो किसने किया है, यहाँ पर 4 विकल्प है आपके, राहुल सांकृत्यन, चंद्रधर शर्मा, पीतंबर दत्त वल्थवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा, पीतंबर दत्त वल्थवाल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है, पृथ्वीराज रासो, प्राकृत पेंगलम या भरतेश्वर बाहुबली रास या हम्मी रासो। तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 406 और इसका जो सही आंसर है वह बताना है। प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है प्राकृत पेंगलम, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, प्राकृत पेंगलम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका ढोला मारूरा दुहा के रचयिता हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 407 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर है 407, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है वह बताना है, ढोला मारूरा दुहा जो है इस आपका सही आंसर है कुशलाभ, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है, कुशलाभ बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध तथा सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित है, तो कौन प्रभावित है, सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक प्रभावित है कबीर जी, जायसी जी, सूर जी या तुलसीदास जी। 4 विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 408 का राइट आंसर बताना है, क्या है इसका सही आंसर यह बताइए जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है वह है आपका क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर 1 यानी कि कबीर, कबीर जी विकल्प नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बुद्धिरासो काव्य है वीर काव्य या चरित काव्य या महाकाव्य या प्रेम काव्य, तो बुद्धिरासो यह एक काव्य है, यह आपके लिए पता है, तो कौन सा काव्य है यह बताना, वीर काव्य, चरित काव्य, महाकाव्य या
प्रेम काव्य, तो प्रेम काव्य आपका विकल्प नंबर चार जो है यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर चार राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस पंती है, तो स्वयंभू, विद्यापति, अमीर खुसरो या हेमचंद्र, किसकी पंक्ति है यह बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 410 का सही आंसर, गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति है किसकी है, यह पंक्ति है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो यानी कि विकल्प नंबर तीन आपका राइट आंसर है, खुसरो जी की यह पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है आदि काल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए, तो भाई साहित्य बताना है कौन से साहित्य में रचे गए। आदिकाल में चरित काव्य सबसे अधिक जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में या रासो साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 411 का राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 411 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए, तो आपका सही आंसर है जैन साहित्य, जैन साहित्य यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध यहाँ पर आपके लिए बताना है, तो कौन है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध, सबरपा या डोम्बिपा, सरहपा, लुईपा, तो क्वेश्चन नंबर 412 का जो सही आंसर है यहाँ पर 84 सिद्धों में सर्वप्रथम जो प्रथम सिद्ध है वह कौन है यह पूछा है, तो आपका सरहपा आपका विकल्प नंबर तीन राइट आंसर है, बिल्कुल सही सरहपा आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्राकरण में किसका विवेचन किया है, तो तृतीय प्राकरण में पूछा है यहाँ पर आदिकाल के तृतीय प्राकरण में रामचंद्र शुक्ल जी ने किसका विवेचन किया है, भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीरगाथा काव्य का या आधुनिक काव्य का, तो इस प्रकार चार विकल्प हैं आपके और क्या होगा इसका सही आंसर है आपके लिए बताना है, तो वीरगाथा काव्य जो है विकल्प नंबर तीन वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, वीरगाथा काव्य बिल्कुल सही, वीरगाथा काव्य आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्तियों का अभाव है, तो किस काव्य प्रवृत्तियों का अभाव है यह पूछा, भक्ति का, श्रृंगार का, प्रकृति चित्रण का या राष्ट्रीय चेतना का, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर है 414 और 414 का जो सही आंसर है आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है, तो आपका सही आंसर है राष्ट्रीय चेतना, विकल्प नंबर चार आपके यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर चार राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन हिंदी की प्रथम रचना श्राविकाचार्य की रचयिता है, तो हिंदी की प्रथम रचना श्राविकाचार्य है और इसकी रचना का बताना है, रचयिता है तो कौन है इसके रचयिता है बताना है, सबरपा या चरपटना या देवसेन या लुईपा, क्वेश्चन नंबर 415 है यहां पर और 415 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर तीन यहां पर सही आंसर है देवसेन, देवसेन आपका यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लें, अगला क्वेश्चन शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नामकरण रखा है, तो आधुनिक काल का क्या नामकरण रखा गया है यह पूछा है 416 में, क्या है इसका सही आंसर, वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल या इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 416 का जो सही आंसर है वह है आपका क्या है राइट आंसर, तो आपका गद्यकाल यहाँ पर विकल्प नंबर तीन जो है वह राइट आंसर है, विकल्प नंबर तीन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन तो देख लें, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है, मिश्र बंधु ने, गिरियसन ने, गारसदतासी ने या शिवसेन सेंगन ने, तो क्वेश्चन नंबर 417 का राइट आंसर बताना है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है तो किसने किया है, तो आपका सही आंसर है मिश्र बंधु यानी कि विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर है, मिश्र बंधु आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418 मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है, मिश्र बंधु विनोद में बताना है, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है, पांच में, चार में, तीन में या दो में, तो क्वेश्चन नंबर 418 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या है, एक यानी कि पांच, पांच कालों में इसको विभाजित किया है, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के नवरत्न के लेखक हैं तो कौन है, क्वेश्चन नंबर 419 का आंसर बताना है, हिंदी के नवरत्न के लेखक हैं,
क्वेश्चन नंबर 419 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका मिश्र बंधु, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 420, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। अजमेर के शासक से संबंधित है तो वह रासो, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 420 का सही आंसर होगा नरपति नाल्य, नरपति नाल्य आपका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421 की आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है तो कौन सा है, आदिकालीन वैदिक ग्रंथ बताना है यहाँ पर, संदेश रासक या जगत सुंदरी प्रयोगमाला या चर्यापद या शब्द अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 421 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है जगत सुंदरी प्रयोगशाला, विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, यह आपके लिए बताना है तो क्या है इसका राइट आंसर है आपके लिए बताना। क्वेश्चन नंबर 422 का सही आंसर क्या है, तो डिंगल जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 422 का राइट आंसर है राजा वांकीदास कृत कुकवी बत्तीसी में, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन कि किस रासु ग्रंथ का एक पद प्राकृत प्यंगलम में मिलता है, तो वह रासु ग्रंथ बताना है, जल्दी से बता दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, किस रासु ग्रंथ का एक पद प्राकृत प्यंगलम में मिलता है, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। क्वेश्चन नंबर 423 का सही आंसर यहाँ पर बताना है और 23 का जो सही आंसर है हम्मीर रासो आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है प्रथम बावनी काव्य है, प्रथम बावनी काव्य पूछा सेवा बावनी या धर्म बावनी या मातृका प्रथमा चरा दोहरा या रतन बावनी, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 424 है और 424 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर है, मात्र का प्रथमा छरा दोहरा आपका समी जो है सही आंसर है, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 425 है कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीरगाथा का गान किया गया है, तो किसमें किया गया है यह आपके लिए बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर है 425 का राइट आंसर क्या होगा, 4 विकल्प है आपके यहाँ पर और आपके यहाँ पर सही आंसर है भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश, यानी कि विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर है, भट्ट केदार कृत है कौन सी, जयचंद्र प्रकाश, और इसमें जो है वीर गाथा का गान किया गया है कन्नौज के राजा जयचंद्र, इस प्रकार आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर अचीवर बैच आप देख सकते हैं यहाँ पर MPPSC प्री 2020 के लिए यहाँ पर ये हिंदी मीडियम में है बैच कोर्स है, 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी ज्वाइन करें बैच कोर्स और पाएं MPPSC की संपूर्ण मार्गदर्शन। ये आप देख सकते हैं ये जो है दिया है कि कौन सी क्लास कब होती है और यहाँ पर आपके MP के टॉप एजुकेटर हैं, कंप्लीट आपका MPPSC का सिलेबस कवर किया जाता है, PDF नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपकी लाइव क्लास है, यहाँ पर लाइव डाउट क्लियर सेशन होता है, मॉक टेस्ट है और क्वेश्चन भी हैं आपके 20,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, PDF रिविजन नोट्स यहाँ पर है, रिकॉर्ड बैच भी है, तो इन जब ये सभी जो है प्लस सब्सक्रिप्शन में है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे खरीदना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी MPPSC एंड व्यापम सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपके लिए प्लस पर क्लिक करना है, फिर आपके यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद जो है ये जो है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का अनअकैडमी के द्वारा ये कोर्स है, तो इसमें 10% डिस्काउंट भी है, आप देख सकते हैं ये 10% डिस्काउंट समेत रेफरल कोड यूज करना है, 28 फरवरी तक आप इसको ज्वाइन कर लें, 10% डिस्काउंट आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है, समित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करें, तो आज ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करें, MPPSC एंड व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप डाउनलोड करना है, इससे आपकी अपनी तैयारी बहुत ही मजबूत बन सकती है।
है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, और कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी और इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो उनकी जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।